जो कल का ब्लॉग था वो डालिए। आप लोग को याद रहेगा तो मैंने बोला था कि मैं फ्लिपकार्ट पे गेम खेल रहा हूँ जिससे मेरे को सुपर कॉइंस मिलते हैं, और आज मेरे वो पूरे हो चुके हैं, मतलब पूरे 2500 सुपर कॉइंस हो गए, क्योंकि मैं अभी रिडीम करने जा रहा हूँ और उसके बाद उससे शॉपिंग करूँगा, क्योंकि आज ऑलरेडी शाम तो हो गए, तो आज छोड़े नहीं, शायद वीक का काम हो जाए। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, यानी कि राजू के ब्लॉग्स में आपका हाँ। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, ये साइड का सर थोड़ा दुख रहा है, संडे का तब वीकेंड का तब ये ब्लॉग ऐसे बीच में स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ डेज में कुछ हुआ कमिंग और सैटरडे को डाल देता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं अगले सैटरडे को बाहर जाने वाला हूँ, तो ये ब्लॉग शायद जब लाइव जाएगा तब मैं बाहर रहूँगा, देखा होगी सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से गया तो मैं बाहर रहूँगा, चार बार बोल चुका बाहर रहूँगा बाहर हो गया, मुझे रिपीटेटिव बोलने की आदत जाएगी नहीं जाएगी वो भी देख लेते हैं, फिलहाल गुड नाइट करते कभी मंडे ट्यूजडे मंडे थर्सडे फ्राइडे। प्लांट में लगाया था, क्या हुआ भाई कबूतर सब मनी नहीं आते, बट ये आते धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सो आई जस्ट टुक अ लंच ब्रेक और बैठा था तो बोला क्या करूँ, ब्लॉग ही कर लेते, वही कर रहा था। एंड आई एक चीज़ दिखाना था आप लोग, अगर ये इमेज है यहाँ पे कहीं तो रहेगी, देख लो उसमें ना आप लोग को शार्क दिख रही होगी, और शार्क का यहाँ पे जो शार्क दिख रही है इसके बैलेंस देखो और वो वाले शार्क के बैलेंस से कंपेयर करो, एक तो छुपके बैठी यहाँ पे नीचे देखो दिख रही है, दोनों का बैलेंस कंपेयर कर लो खुद ही मालूम पड़ जाएगा। पहले वाले शार्क के बैलेंस सॉलन थे, फुके हुए थे क्योंकि पानी खरा ठीक था, और सैटरडे को जब से मैंने पानी चेंज किया है वो लोग का वापस सब ठीक हो गया है। अभी कितना बज रहा है भाई, और 10 मिनट है तो ऐसे काम करने बैठूंगा, यही तो लाइफ है, टाइम मिले तो ब्लॉग कर लो वरना काम करते रहो। आजू बाजू का माहौल देख के लग रहा होगा मैं रात को ब्लॉग कर रहा हूँ, बट नहीं, इस फ्राइडे मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। और ऐसा देख के लग रहा है कि मतलब सुबह के 6:30 बज रहे यार, ये पूरा क्लाइमेट 2 दिन में चेंज हुआ है, मतलब अभी तक 2 दिन पहले 6:30 अच्छा खासा उजाला होता था, आज अभी तक उजाला नहीं है, अंधेरा है 2 दिन में पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है यार। पिछले ब्लॉग में बोला था कि ठंडी आई है बट इतना जल्दी इतना हो जाएगी नहीं पता था यार, 2 दिन से बारिश भी हो रहा है, 6:30 टाइम हो रहा है, बताया नहीं रहेगा तो वापस बता रहा हूँ। हेलो यार, ठीक है अभी मैं जाता हूँ मेरा रेगुलर वर्क, एंड देन सी और कुछ होता है कि नहीं। सुबह सुबह अभी मूड खराब हो गया, मतलब 9:30 बज रहे हैं घड़ी में, अभी ऑफिस का काम शुरू करने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैं जिम से वापस आया ना तो मेरे ये दो बर्ड्स है ईयरफोन्स, मतलब इसका केस मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया है, घर तक आया है मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि घर पे आया है, बट घर पे आने के बाद मैंने कहाँ रखा है मुझे पता नहीं है, दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि इसका केस मैंने घुमा दिया है कुछ हो रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं, अगर मेरे को दुख इस बात का ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे को ये चीज़ गिफ्ट में मिला था, मेरे को बर्थडे गिफ्ट में मिला था और मैंने उसी का मिसप्लेस कर दिया, कि ये जो मैंने खरीदा था वो अभी तक है मेरे पास, घर में आया इतना तो है, तो 9:30 काम स्टार्ट करता हूँ एंड काम खत्म करके फिर हंट शुरू कर दो किधर रख दिया मैंने, ऑलमोस्ट मैंने ढूंढ तो लिया मिला नहीं मुझे, बट फिर भी शायद कहीं ना कहीं दिख जाए, अभी ना दिख रहा हो बाद में दिख जाए, मिलता बाद में। फिलहाल मैं ऐसे बाहर घूमने आया था थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि घर में जो हुआ है उससे थोड़ा हटने के लिए, मेरे को लग रहा है मैंने मेरा हेडफोन घुमा दिया, क्योंकि मैंने ढूंढा, निशा ने ढूंढा, मम्मी ने ढूंढा, नहीं तो नहीं मिला वो हेडफोन, मैं जाके जिसके वॉचमैन तक को पूछ के आया भाई बाई चांस अगर किसी ने ला के दे दिया रहेगा तो मेरे जिम में ड्रॉप कर दिया रहेगा, तो बट वो भी बोला नहीं है,
घर में भी नहीं है, जिम में भी नहीं मिला, रास्ते में भी मुझे नहीं लगता मैंने कहीं गिरा यार। इतना तो सस्ते था ना मैं कि मतलब वो सामान मेरे हाथ से गिर रहा तो मेरे को ध्यान में रहेगा, वो भी नहीं है। बुरा तो लग रहा है बट अभी क्या कर सकते, चीज़ें मिल जाती शायद ये भी मिल जाए, वो ऐसा हो मैंने वो बर्ड्स रखूँगा अभी संभाल के देखते। तो मैं तो हद सोच रहा हूँ यार, कितना मतलब कितना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि नहीं मैं लेके गया हूँ, मैं लेके गया हूँ घर पे, मैं लेके गया हूँ। पर जस्ट अभी मैं घर के गेट में एंट्री ले रहा था तो मेरे को याद आया कि मैंने ना उसको एक जगह निकाल के रखा था और वहाँ से उठाना भूल गया। होपफुली वो वहाँ पे ही हो, देखता हूँ अभी जाके। जिम में तो पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। Let me see whether I can find it there or not. Yeah, it's kept there only. ये रहा, यार रख के भूल गया था मैं। तो कितना कॉन्फिडेंस है यार मेरे अंदर, मिल गया आखिरकार। घर पे आके गाली पड़ेगी, घर पे बहुत मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि नहीं मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, बट अभी सुनना पड़ेगा। कोई नहीं, सामान मिल गया, सुन लेंगे। चलता घर पे, मिलता बाद में। कि तो क्लाइमेट तो दिख रहा है आप लोग को कितना चेंज हो चुका है। एंड जैसे अभी जिम करके जिम से बाहर निकलो, जा रहा हूँ घर पे, व्लॉग ख़त्म करने का टाइम है कि नया व्लॉग शुरू करना है। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो आई होप आप लोग ने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया रहेगा और मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद देख ली रहेगी। और अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड यस, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग जो कि कल ही आने वाला है और शायद कुछ अलग होगा या फिर पता नहीं। और हाँ, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था कि मैं बाहर जाने वाला हूँ बट वो प्लान कैंसिल हो चुका है, नहीं हो पाएगा। तो आज का देखते और क्या कर सकते हैं, वैसे करना तो वही अपने को काम है, मतलब जाके अभी घर पर साफ़ सफाई करनी है, फिश टैंक क्लीन करना है, ये हफ्ते में एक बार करना पड़ता ही है, वही करूँगा। और आगे देखते हैं, शायद आज पनवेल भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आधार कार्ड का कुछ काम है। तो अभी काम करता हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाय।